हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 13, आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। रीड दिस कन्वर्सेशन अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। बेटा नीचे कन्वर्सेशन दी हुई है, उसको पढ़ें और भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जान लें। टीचर कहता है, लुक एट दिस चार्ट, इस चार्ट को देखो। इट शोज आवर नेशनल सिंबल्स, यह हमारे राष्ट्रीय चिन्हों को दिखाता है। द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एम्बलम, द टाइगर, द पीकॉक एंड द लोटस, ये सभी क्या हैं बेटा, हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। मदन कहता है, मैम Why does our national flag have three stripes of different colors? मैम, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग की तीन जो धारियां बनी हुई हैं, ये क्यों हैं? टीचर कहता है, Yes, I will explain to you. हाँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। The saffron which is at the top, जो तिरंगे के सबसे ऊपर है, ये सैफ्रॉन कलर जो है, स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड क्रेज, यह किसको दिखाता है, बहादुरी और साहस का प्रतीक है ये। द वाइट विच इज इन द मिडल, और जो बीच में वाइट कलर है, स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रूथ, यह शांति और सत्य का प्रतीक है। द ग्रीन विच इज एट द बॉटम, और जो लास्ट में जो ग्रीन कलर है, स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, यह समृद्धि को दिखाता है। राधा कहती है, मैम इट मीन्स दैट आवर नेशनल फ्लैग इंस्पायर अस टू बी ब्रेव एंड क्रेजियस। मैम, इसका अर्थ है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमें बहादुरी और साहस के लिए प्रेरित करता है। इट टेल्स अस टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड पीस, और यह हमें कहता है कि हमें सच्चाई और शांति का जो मार्ग है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। एंड लीड ए प्रॉस्परस लाइफ, और एक समृद्धि से पूर्ण जीवन जीना चाहिए। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक हो राधा। बिकॉज ऑफ इट्स थ्री कलर, इट इज़ कॉल्ड तिरंगा, इसके जो ये तीन कलर हैं, इसलिए यह क्या कहलाता है, तिरंगा। अब आशु पूछता है, मैम व्हाट इज़ द ब्लू व्हील इन द मिडल ऑफ द वाइट स्ट्रिप्स, जो वाइट स्ट्रिप्स है, इसके बीच में जो गोल है, ये क्या है? टीचर कहता है, इट इज़ द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड धर्म चक्र ऑफ अशोका, यह अशोक का धर्म चक्र भी कहलाता है। इट हैज़ 24 स्पॉक्स, इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। अशोक वाज ए ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा था। हु फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रू एंड जस्टिस, जिसने सत्य और न्याय का रास्ता अपनाया था। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको यहाँ तक का लेसन रीड करना है। थैंक्स।